जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, देखिए 9:38 हो चुके हैं और लगभग 2 बजे आप एग्ज़ाम देने के लिए निकल जाएंगे। और देखिए सेम हो रहा है, चाहे वो 12वीं और 10वीं में हुआ हो या फिर आपका यहाँ पे 9वीं में हो रहा है। क्या होता था, सिर्फ एग्ज़ाम के 2 या 3 घंटे पहले ही पेपर मिलते थे, तो आपका भी यहाँ पे एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले ये पेपर मिला हुआ है मुझे। देखिए कुछ इस प्रकार से, आप यहाँ पे 1 बजे एग्ज़ाम देने के लिए निकल जाएंगे तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से पेपर है। देख लीजिए, पूरा सेट डी का पेपर है, ठीक है। सेट डी आप देख लीजिए, पूरा कोड मिला लीजिए, सेट डी का ये पेपर है, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी सेट डी का इंतजार कर रहे थे, फाइनली मैं सेट डी का पेपर लेकर के आ चुका हूं, पूरा का पूरा पेपर आपको दिखाने जा रहा हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चैंपियंस, टाइम की कमी होने के कारण एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है और आप भी वीडियो में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो डायरेक्टली अपन आंसर्स देखते जाएंगे, ठीक है। सही विकल्प चुन करके लिखना है, जिसमें कि माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर पूछा गया है, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, उनके काव्य का मूल स्वर आपका हो जाएगा राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम, ठीक है, राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम। तो फर्स्ट का नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। मेघ आए हैं, बादल कहाँ पर आए हैं ये आपको बताना था, मेघ आए हैं। तो ये क्या है इसका, देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए थे, गर्जन करते हुए, बन ठनके, या फिर चुपके से, या फिर झूमते हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बन ठनके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं। नेक्स्ट है आपका चौथा, देखिएगा मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य यहाँ पे अर्थ बताता है। तो ये 4 वाक्य दिए गए हैं और इसका अर्थ पूछा गया है, तो का नंबर वाला वाक्य ही सही हो जाएगा, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका शब्द के यहाँ पे पहले प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद लेखिका मृदुला गर्ग की जो नानी के पति का नाम क्या था, ठीक है। लेखिका मृदुला गर्ग जो है, उनके नानी के पति का नाम पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कितने विद्यार्थी एक्टिव हैं और कितने विद्यार्थियों से ये आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। सेट डी का आपका ये पेपर है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान थे आपके सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में रिक्त स्थान का पहला दिया गया है, सोने का घड़ा शराब से भरा हुआ तो भी खालिस्तान की निंदा नहीं करेंगे, तो देखिए ये सज्जन की निंदा नहीं करेंगे, ठीक है, सज्जन निंदा नहीं करेंगे। तो इसमें क्या बनना था आपको, सज्जन भर देना था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, यहाँ पे सेकंड वाला दिया गया है अपना, श्रृंगार रस का स्थाई भाव पूछा गया है, तो रति होता है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है, रति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चरण सरोज, यहाँ पे देखिएगा पखारन लागा, खालिस्तान अलंकार है, तो देखिए इसमें जो है आपका हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार आपको भरना होगा। इसके बाद चौथा देखेंगे अपन, चौथा जो दिया गया है डांडे तिब्बत में सबसे, देखिए डांडे तिब्बत जो है उसमें सबसे ऊंची जगह कौन सी है, तो देखिए सबसे ऊंची खतरे की जगह है, ठीक है, खतरे की, इसमें आपको ओनली भरना था खतरे। इसके बाद पांचवा है आपका, देखिएगा पांचवा दिया गया है यथाशक्ति में समास पूछा गया है, तो अव्ययभी भाव है, ठीक है, कौन सा है, अव्ययभी भाव, आपको अव्ययभी भाव यहाँ पर भरना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छठवा, उमा ने खालिस्तान की परीक्षा पास कर ली, तो यहाँ पर उन्होंने कर ली थी BA की परीक्षा, ठीक है, BA आपको यहाँ पर भरना था, ठीक है, BA कुछ इस प्रकार से BA की परीक्षा हमने पास कर ली थी। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। अब चलिए अपन देखते हैं सही जोड़ियां जिनका अपन को मिलान करना था। सो चैंपियंस यहां पे देखिए लहलह पालक का जो सही है महमह धनिया, सिंगार रस जो है आपका यहां पे हो जाएगा, सिंगार रस का एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रति स्थाई भाव, ठीक है। प्रेमचंद जो है लहमी, चौधरी चरण से पूर्व प्रधानमंत्री, मर ही भर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नेपाल शब्द, और इस जल प्रलय में का सही आंसर आपका हो जाएगा यहां पे देखिएगा जो लास्ट बचा हुआ है, ठीक है, वो आप मिला लेना। इसके बाद थे आपके यहां पे एक वाक्य एक शब्द उत्तर, जिसमें कि ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि कौन है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा कबीरदास, ठीक है, पहले में आप भर देना यहाँ पे कबीर, ठीक है, कबीरदास कुछ इस प्रकार से कबीरदास आपको भर देना होगा। दूसरा जो अपना दिया गया है, दूसरा है अपना बिना पूर्व पर संबंध के स्वयं में पूर्व होने वाला काव्य क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है मुक्तक काव्य कहलाता है, ठीक है। अब मैं आंसर्स बताता जा रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि टाइम नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे। इसके बाद है रिपोतार्ज जो है किस भाषा का यहाँ पर शब्द है, तो रिपोतार्ज जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। मनोवियोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर इसका मनाधन योग हो जाएगा, ठीक है, मनाधन योग। सदाचार का विलोम पूछा गया है, दुराचार। इसके बाद रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, तो ये है आपकी विवाह की समस्या पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है कुछ इस प्रकार से, सभी उत्तर आप देख लीजिए, सारे उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस अपन को बताए गए हैं इसमें, जो भी मैंने आपको बताए हैं, देखिए सभी के आंसर यहां पे सेट डी के बना लिए गए हैं। तो चलिए ये PDF दे देता हूं मैं, ताकि आपको समस्या नहीं होगी।
सो चैंपियंस आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना होगा एमपी बोर्ड क्लास 9 हिंदी पेपर 2023, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी studynotespj.com, जिस पे हिंदी का पूरा पेपर अपना डला हुआ है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको होम दबा देना है, ठीक है। पूरी आप विधि देख लीजिए। होम दबाने के बाद अगर ऐड आए तो इसको यहाँ पे क्रॉस कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे आना है और यहाँ पे देखिएगा आपको एमपी बोर्ड क्लास 9th 11th, इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखो चैंपियंस, यहाँ पे आपको कक्षा 11वीं हिंदी के सेट डी का यहाँ पे देखो ये डल चुका है, ठीक है। सेट डी, तो सेट डी पे आपको क्लिक कर देना है। सेट डी को पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे लोड लेगा, ठीक है। थोड़ा सा लोड लेता है ताकि आपकी यहाँ पे जो भी पेपर है उसको आप देख सकें, ठीक है। सेट डी का पूरा पेपर, ठीक है। सेट डी का अभी अभी ये वायरल हुआ, ठीक है। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए, जैसा कि मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया, हो सकता है 2 मिनट पहले आपके पास ये वीडियो आए, 1 मिनट पहले आए एग्जाम के पहले, तो आपको यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड करके एक बार रीड जरूर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से 15 सेकंड रुक करके आप रीड कर लेना, और किसी भी एक ऐड पर क्लिक करना बहुत आवश्यक है, वरना ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी। तो आपको ऐड पर क्लिक जरूर करना है। कोई भी पोस्टर दिख रहा है ना, जैसे इंस्टाग्राम का पोस्टर दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, इस पर क्लिक जरूर कर देना। देखो मैंने किया क्लिक और डायरेक्टली ये हमें ड्राइव पर ले गया, ठीक है। सेट डी की ड्राइव पर ले गया और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन डला हुआ है। तो यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद अपने जो थे एक वाक्य एक शब्द वाले जो थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए अब अपन आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। सो विद्यार्थियों, इसके बाद थे आपके 70 सत्य, ठीक है। 70 सत्य अपन को चुन करके लिखने थे। तो चलिए मैं आपको 70 सत्य जो है इनके आंसर्स बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला जो अपना क्वेश्चन दिया गया है, प्रकृतिवादी कवियों ने अनेक यहाँ पे प्रयोग किए हैं, तो ये जो है आपका यहाँ पे पूरी तरह से असत्य हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने अनेक प्रयोग नहीं किए हैं। दोहा मात्रिक छंद है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। दोहा एक मात्रिक छंद है। हीरा और मोती गया के बैल थे, तो ये जो है ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ही मात्र भर निपात शब्द है, तो ये जो है ये एकदम सही हो जाएगा। ही मा जो भर है ये निपात शब्द का उदाहरण है। लेखक रेणु बाद देखने अकेले ही निकल गए थे, ठीक है। तो देखने के लिए अकेले ही निकल गए थे, ये भी असत्य है आपका, ठीक है। राम स्वरूप की बेटी का नाम उमा था, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। राम स्वरूप की जो बेटी है उसका नाम उमा ही था। इसके बाद देखिए सभी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। सो चैंपियन, इसके आगे के सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए मैं ऑलरेडी आपको इन क्वेश्चंस को बता चुका हूँ, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषता को लिख कीजिए, जैसा कि क्योंकि सेट ए में भी यही क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखिए जो है क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं बस, बाकी क्वेश्चन सेम आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन इनका करा चुका हूँ, और पीडीएफ चाहिए तो जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया उसी के माध्यम से आप सारी पीडीएफ देख लेना, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। ये 16वां देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से 16वां और 17वां आपका दिया गया है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। ये 18वां क्वेश्चन है आपका, इसके बाद देखिए ये 19वां क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए ये 20वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 21वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कुछ इस प्रकार से 21वां क्वेश्चन आपका आएगा गद्यांश के रूप में, तो यहाँ पे अथवा रहेगा आपका। इसके बाद आप देख लीजिए 22वां क्वेश्चन है, ठीक है। 22वां और ये 23वां, कुछ इस प्रकार से निबंध और एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। सो देखिए मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली, इससे भी एप्लीकेशन आएगी, निबंध आएगा, ठीक है। विद्यार्थी अनुशासन जीवन आएगा, इसके अलावा कंप्यूटर की उपयोगिता और वृक्षारोपण, ठीक है। अपने विवाह, बड़े भाई के विवाह के लिए या फिर जन्मदिन के अवसर के लिए एप्लीकेशन आएगी। सो चैंपियंस, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, और इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो वहाँ पर भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप स्टडी नोट्स पीजे को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।